एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने विंध्य इलाके का विकास तेजी से करने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का सिंगरौली पहुंचने पर देवसर में विश्वामित्र पाठक तथा अन्य जन प्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री के बरगवां पहुंचने पर राज्य मंत्री राधा सिंह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी ने स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने सिंगरौली क्षेत्र के मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजेंद्र शुक्ला ने एनटीपीसी के सूर्य भवन में जिले के अधिकारियों के साथ सिंगरौली जिले के विकास कार्यों से संबंधित बैठक की। हमारे विंध्य में खनिज संपदा है, वन संपदा है और तमाम तरह के विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं, पर्यटन के तमाम हमारे यहाँ केंद्र हैं जिसको बढ़ाने की जरूरत है। विंध्य को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाया जा सकता है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी सफर तय भी कर लिया है। जो बचा हुआ काम है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने विंध्य क्षेत्र को का सम्मान किया है, विंध्य के क्षेत्र की जनता का ये सम्मान है, कोई मुझे कोई पद मिल गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। विंध्य क्षेत्र के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है उसका ये सम्मान है और हम सब मिलके और अपने विंध्य को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाएंगे। इसके लिए चाहे रेल लाइन हो, चाहे हाईवे के काम को पूरा करना हो, चाहे उद्योग यहाँ पर लाने हो, चाहे पर्यटन के लिए तमाम प्रयास करने हो, सभी किए जाएंगे। अब सारा काम हो गया है, सिर्फ सीधी से सिंगरौली अटका है, वो भी इसीलिए पूरा कराने के लिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि हम उस काम को पूरा करना चाहते हैं जिस काम की आशा आप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।